सोशल मीडिया से लेकर टीवी अखबारों में इस वक्त हर जगह सिर्फ एक चर्चा है कि भाई चांद को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है। और एक आम इंसान ये समझ नहीं पा रहा कि भैया चांद पर जो हम जा रहे हैं वो क्या केवल माहौल बनाने के लिए जा रहे हैं, मतलब चांद पर जाएंगे तो दुनिया में नाम हो जाएगा। और अगर यही इतना लॉजिक है तो फिर 600-650 करोड़ रुपए केवल 14 दिनों के लिए क्यों लगाए जा रहे हैं? मतलब नाम हो जाएगा, धमक हो जाएगी, लेकिन नाम और धमक के लिए भारत 650 करोड़, रशिया की बात कर ली जाए तो उसने 2-3 हजार करोड़, अमेरिका और ज्यादा, चीन जैसा देश जो है वो भी लगातार लगा हुआ है, और दुनिया में कई और देश जो है वो भी लगे पड़े हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये सवाल क्या आपके जहन में आया? हम आपको बताते हैं इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल चांद को लेकर मुख्यतः 5-6 वजह है। एक वजह तो ये है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम में आप बहुत आगे हो जाएंगे, आपके रॉकेट से लेकर तमाम चीजें जो हैं आपकी टेक्नोलॉजी उसकी धाक दुनिया बढ़ेगी। जैसे अमेजॉन वाली कहानी हमने सुनाई थी कि हमारे रॉकेट को अमेजॉन के जो सीईओ हैं वो पसंद कर रहे थे। लेकिन ये तो सब धरती की संभावनाएं, कई संभावनाएं ऐसी हैं जो अंतरिक्ष की हैं, और अंतरिक्ष संभावनाएं ज्यादा जरूरी हैं। जैसे पहली संभावना है पानी की संभावना को लेकर। इंसान ये जानता है कि अगर पानी वहां पर मिल जाता है तो नई जिंदगी में मददगार चांद हो सकता है, एक ये बहुत बड़ी संभावना है। दूसरा, पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके उससे क्वालिटी फ्यूल जो है वो आप निकाल सकते हैं और इंसानों की बल्ले बल्ले हो जाए। तो कहानी ये होगी कि अगर चांद पर हमें पानी मिला तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वहां पर शक्तिशाली और स्वच्छ रॉकेट फ्यूल जो होता है वो हो जाएगा, क्योंकि रॉकेट फ्यूल जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में आप यहां से भेज पाते हैं। फ्यूल खत्म, आपका विमान जो है वो टाइटैनिक, तो वो टाइटैनिक ना हो इसलिए आपके पास चांद पर आपकी फ्यूल रहेगा और वहां से आप जो है दुनिया भर को, दुनिया तो हमारी यहीं पर है, उससे आप अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लालच है। दूसरा लालच ये है कि चांद एक वीरान जगह है जहां पर कितने सारे धातु छिपे हैं जिसका अंदाजा हमें आपको नहीं है। मतलब ये हवा में तीर मारने जैसा है कि अगर निशाना सही जगह लग गया तो फिर बल्ले बल्ले जो है वो होने वाली है। और यही सोचकर इंसान जो है धरती से मेहनत कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि यूरेनियम, टाइटेनियम, प्लेटिनियम या फिर सोना जो है वो चांद पर आपको बड़ी संख्या में मिल जाए, इतना मिल जाए कि आपकी ऐश हो जाए। तमाम ऐसे धातु जो धरती पर नहीं मिल रहे हैं आपको वो चांद पर आपको खुले तौर पर मिल जाए। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर 0.01% गुंजाइश है तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से जिस साउथ पोल पर हम जा रहे हैं वहां पर इसी कोशिश की जा रही है, या बाकी जगहों पर हम जा रहे हैं वहां पर भी ये कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और बहुमूल्य धातु जो है उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च वो जाने के लिए, और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे धातु हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सकते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अंतरिक्ष में हमारा चांद जो है वो एक स्पेस स्टेशन हो सकता है। और ये अगर हो गया, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हमको यहां से कहीं जाना है तो बीच का एक अड्डा है जहां पर थोड़ी देर रुककर हम ठहर कर सांस ले सकते हैं, ये हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो आपको यूनिवर्स एक्सप्लोर करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे अगर आपको मंगल ग्रह आपको भेजना है, जैसे मंगल को लेकर भी हम जिंदगी की संभावनाओं की तलाश करते हैं, लेकिन मंगल काफी दूर पड़ जाता है, और मंगल और धरती के बीच में एक जगह पड़ती है चांद, तो उस चांद को अगर हम जाते हैं तो वहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, चांद पर ठहर सकते हैं, और यहां से मिशन लॉन्च करना या यहां से नजर बनाए रखना कंपैरिजन में इजी हो जाएगा। तो जो चांद पर जल्दी फतह करेगा, जो चांद पर जल्दी अपना एयर स्टेशन बनाएगा, उसके लिए भविष्य में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाएगा कंपैरिजन टू उनके जो बाद में आ जाएंगे। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आपका स्पेस स्टेशन वहां बन जाता है, तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी, जिससे जब मान लीजिए इंडिया ने 600-650 करोड़ बनाई, तो दुनिया के बाकी देश जिन्हें करना होगा उन्हें इंडिया से टाई अप करना होगा कि भाई कैसे हुआ, तो वो एक बड़ा पैसा जो है वो भी आपका वसूल हो जाएगा। तो एक तरीके से ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है खोज के साथ साथ, मतलब आपका नाम हो रहा है, भविष्य की आप नींव रख रहे हैं, पैसा भी हो रहा है, दुनिया यानी यूनिवर्स आप और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी इंटरनेशनल धाक जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। तो कई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर है। और वो पहला वाला फैक्टर जो आपने आपको बताया वो तो है ही, मतलब अमेरिका जो कर रहा है वो चीन को करना है। अमेरिका और चीन दोनों में आज के टाइम में कंपटीशन है कि सुपर पावर हम या सुपर पावर तुम हो। रशिया के साथ भी यही कहानी, रशिया हालांकि उलझा हुआ है लेकिन उसने भी 45-50 साल बाद दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया। इंडिया और चाइना में कंपटीशन है, तो कोई भी देश जो है वो पीछे रहना नहीं चाहता। सबको लगता है कि यार जितनी जल्दी हमारी धाक जो है यहां तक हो जाएगी उतना ज्यादा अच्छा है।
अब आपको समझाते हैं कि किस देश की कहानी कितनी रही और किसने किसने चांद पर कब कब क्या भेजा। आज तारीख पड़ रही है 23 अगस्त, लेकिन अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत ने पहली बार साल 2008 में 22 अक्टूबर वो तारीख थी जब चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था और सेकेंड वाला हमारा फेल हो गया था। लेकिन चंद्रयान का जो मकसद है वो ये है कि आप चांद पर जाइए, आपका रोवर जो है वहां सतह पर पहुंचे, वहां पर थोड़ा चले, वहां से कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट करे और उसके बाद वहां जो तत्व हैं उनकी जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि चांद पर और क्या क्या हो सकता है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। 2019 में भी हमने जब लॉन्च किया था सॉफ्ट लैंडिंग के पहले हमारा वो कम्युनिकेशन जो है लैंडर का टूट गया था, तब काफी तकलीफ हमें हुई थी, रोने वाली तस्वीरें आई थी। एंड इस बार वी आर पॉजिटिव की चीजें बेहतर होंगी। अगर आप रशिया की बात करेंगे तो रशिया ने लास्ट टाइम 1976 में अपना लूना 24 लॉन्च किया था और वहां से वो चांद की मिट्टी लेकर धरती पर सुरक्षित लौट आया था। हालांकि ये अनफॉर्चुनेट है कि तब SSR यानी उनका सोवियत संघ था, अब जो है उनका लूना 25 गया जो काफी अपडेटेड वर्जन था, खासतौर पर इंडिया के चंद्रयान के मुकाबले माने तो बहुत ज्यादा वो अपडेटेड था। उनका रॉकेट जिससे उसे लॉन्च किया गया वो मजबूत था, उनका लूना 25 जो था वो सर्दी गर्म से अलग अपने आप को सेफ रख सकता था। तो बहुत सारी चीजें थी और इन तमाम चीजों को लेकर भी वो गया, लेकिन 47 साल बाद उनका मिशन जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप रहा और चांद की सतह पर जाते ही उनका लूना 20